जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर मिली थी, जिनमें से 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इनमें से एक जैश का टॉप कमांडर था, जो IED एक्सपर्ट भी था। कश्मीर के IG विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकियों में एक मोस्ट वांटेड वालिद था। वो पाकिस्तान का था और करीब 1.5 साल से सक्रिय था। पिछले 4 ऑपरेशन में वो सुरक्षा बलों के हाथों से बच निकला था। कल रात में कुलगाम पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि चिम्बर विलेज एरिया में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, तो पुलिस आर्मी CRP ने कॉर्डन डाला। आज मॉर्निंग में जब सर्च शुरू हुआ तो इनकाउंटर उसमें हो गया, जिसमें हमारे आर्मी के हमारे 3 जवान जख्मी हो गए और 3 टेररिस्ट मारे गए। सूत्रों की माने तो जो आतंकी मारे गए हैं वो किसी बड़े आतंकवादी संगठन से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस को तलाशी के दौरान उनके पास से राइफल और भारी गोला बारूद मिला है। कई जिंदा कारतूस मिले हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें विस्फोटक सामान के जरिए आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के सिमर गांव में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। मुठभेड़ में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है। इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान भी घायल हुए, जिनका इलाज श्रीनगर के सेना अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि इस साल अभी तक अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 130 आतंकी मार गिराए हैं, जबकि इन ऑपरेशंस में अभी भी कोई कमी नहीं लाई जा रही है। दूसरी तरफ सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें जारी है। बीती रात कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सेना ने एक घुसपैठिए को मारा, जबकि वहां पर भी सुरक्षा बलों और सेना का महातलाशी अभियान जारी है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर हैं। फिलहाल वो लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना की तैनाती और सेना की तैयारी का जायजा ले लेंगे और उसके बाद कल वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान से जो सीमा लगती है उस पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को विफल करते हुए एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।